हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में। और मेरे जितने भी प्यारे मित्र, मेरे साथी जो हैं इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मैं उनसे एक छोटा सा अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी अगली वीडियो को देख पाएं। तो दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि किस तरह हम अपने घर में छोटे से छोटे कंटेनर में भी किचन वेस्ट से, जो हमारे रोज़ाना हमारे घर में किचन से जो वेस्ट निकलता है, उसका उपयोग हम अपने गार्डन में किस तरह कर सकते हैं और अपने गमलों को किस तरह प्रकार हल्का भी बना सकते हैं, यानी उनको उनका जो वेट है वो भी बहुत कम रहेगा और उसमें जो है पौधे बहुत अच्छे से ग्रो भी करेंगे और वो नीचे जो है वो डीकम्पोस्ट भी होता रहेगा, यानी हमारा किचन वेस्ट से जो भी निकलता है उसे आज हम उसका उपयोग कर रहे हैं, उसे हम अपने गमलों में भरेंगे, उससे एक जो है बहुत अच्छी जो है कंपोस्ट भी हमको प्राप्त होगी और गमला भी हमारा बहुत अच्छा बना रहेगा। तो दोस्तों, करना क्या है इससे, आप देखो दोस्तों, दो फायदे हैं। एक तो ये है कि आप इस तरह, अगर आपके पास छोटे गमले हैं, छोटा कंटेनर है, आप बालकनी में गार्डनिंग करते हैं, तो इस तरीके से आप छोटे गमलों में भी कंपोस्ट भी तैयार कर पाएंगे और आपके गमले भी हल्के बने रहेंगे और आपको रिजल्ट भी उसका 100% मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मैं वो इस तरीके की गार्डनिंग ही अपने गार्डन में करती हूँ। तो मैं इसको, इसका आपको हमेशा जब भी होगा इसमें जो भी प्लांट में ग्रो करूँगी उसको मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। तो आज जो है इसमें सबसे पहले दोस्तों हमने इसका ड्रेनेज बनाया हुआ है, ये देखिए छोटा सा मैं पॉट है और इसमें खाद भी मेरी तैयार होती रहेगी और मेरा पौधा भी ग्रो होता रहेगा। तो ये मैंने होल इसमें किए हुए हैं और एक ये छोटी सी मैं ट्रे इसके लिए यूज़ कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि जो इसमें से लिक्विड निकलेगा वो इस ट्रे में आ जाएगा और उस लिक्विड का उपयोग भी मैं अपने गार्डन में कर लूँगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये है हमारे घर का जो भी वेस्ट हम रोज़ अपने घर से, रोज़ाना हमारे घर से निकलता है, इसमें आप जो है सभी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उबली हुई चीज़ों का उपयोग इसमें नहीं करेंगे, आप अंडों के छिलकों का उपयोग कर सकते हैं उसे क्रश करके, क्योंकि उसमें दोस्तों प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा होती है। तो आप अंडे के छिलकों का उपयोग कर सकते हैं लेकिन उबली हुई चीज़ों का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। इसमें आप कुछ भी अपने रसोई घर से निकलने वाला प्याज के छिलके हैं या मूंगफली के छिलके हैं या संतरे के छिलके हैं, लहसुन के छिलके हैं, इस तरीके से कुछ भी आप उपयोग कर सकते हैं उसको, ऐसे हल्के किचन में से जो भी आपका निकलता है बस उबला हुआ छोड़ के, चाहे वो आलू के छिलके हों, संतरे के छिलके हों, कुछ भी हो। आप देख रहे हैं ये संतरे के छिलके हैं, इसमें ये लौकी के हैं छिलका है और गोभी का डंठल है, प्याज है, नींबू का है, ये आप देख रहे हैं किन्नू जो आता है हमारे घर में उसके छिलके हैं। तो ये मैं इस तरह इस पॉट में पूरा दबा दबा के भर दूंगी। अंडे के उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, अंडे के छिलकों का उसे क्रश कर लीजिएगा आप, और इस तरह ये एक खाद भी हमारी तैयार होती रहेगी और हमारा पौधा भी ग्रो होता रहेगा, यानी दोनों चीज़ें होती रहेंगी, हमारा कंपोस्ट भी तैयार होगी नीचे। और जैसे जैसे दोस्तों ये कंपोस्ट, जैसे जैसे हमारा ये डीकंपोस्ट होगा तो ये नीचे जो है कंपोस्ट भी बनेगी और हमारा इसमें पौधा भी ग्रो होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों हमें। और इसे दबा दबा के दबाना है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से दबाना है क्योंकि ये डीकंपोस्ट होके जो है गलता चला जाएगा और ये नीचे बैठता चला जाएगा। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से आप इसे दबाइए इस तरीके से, और मैं इसको अच्छे से भर लेती हूँ दोस्तों, फिर आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने पूरा दबा दिया है, अच्छे से भर दिया इसमें सारे छिलके जो मेरे रसोई घर से निकले थे, और ये छिलकों को मैंने भर दिया दोस्तों। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये मिट्टी, ये आप देखिए कितनी अच्छी भुरभुरी मैंने गमले से ही निकाली है। ये मिट्टी हमें जो है इसके ऊपर इस तरह पूरा आप इसको अच्छे से प्रेस करके मिट्टी को भर दीजिए।
बहुत अच्छे से, और इसके ऊपर हम लगाएंगे दोस्तों अपना प्लांट। तो मैं इसको भरती हूँ, ये देखिए इस तरीके से आपको हल्के हल्के हाथों से पूरा प्रेस करके आप इसे दबाते जाएंगे तो ये सब्जी के छिलके सारे हमारे नीचे बैठते चले जाएंगे और हमारी कंपोस्ट भी तैयार होती रहेगी और हमारा पौधा भी ग्रो होता रहेगा, उसे सारे न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए होंगे दोस्तों वो जो है इन छिलकों से प्राप्त भी होते रहेंगे और हमारा पौधा भी ग्रो होता रहेगा। तो यानी दो फायदे हमारे इससे रहेंगे, एक तो ये देखिए इस तरीके से दोस्तों इसको अच्छे से हमने प्रेस करके भरना है और इसमें मिट्टी भी अच्छे से हमें यूं पूरे चारों तरफ से जो है भरनी है ताकि हमारे को पौधा अच्छे से हम इसमें लगा पाएं। तो इस तरीके चारों से तरफ से आप भरेंगे इसको इस तरीके से और इसमें देंगे हम पानी ताकि ये जो हमारी सब्जियों के छिलके हैं ये जो है अच्छे से बैठ जाएंगे इसमें और ये पानी इस तरह हम देंगे और इसके ऊपर हम ग्रो करेंगे अपना पौधा। तो इस पर हम ग्रो करेंगे दोस्तों, ये है प्लांट मेरा बेबी सनरोज का प्लांट है तो इसकी कटिंग हम इसमें ग्रो करेंगे और मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये हमने चार कटिंग बेबी सनरोज की ली है और बस इस कटिंग को हमें इस तरह लेना है और इस प्लांट में उस तरह हमें इसको दबा देना है दोस्तों। बस आप देखिएगा बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे से हमारा प्लांट जो है ग्रो करेगा इसमें, उसे सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहेंगे दोस्तों और हमारी कंपोस्ट भी तैयार होती रहेगी। तो बस आपको करना यही है, अपनी घर की वेस्ट सब्जियों का प्रयोग करना है, बस उसमें नहीं लेना है तो उबली हुई चीज़ों का प्रयोग आपको नहीं करना है, बाकी आप सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, आप सिर्फ उबली हुई चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे और इस तरह अपने प्लांट को आप आसानी से ग्रो भी कर पाएंगे और आप वर्मी कंपोस्ट भी ले पाएंगे। थोड़े दिनों में ये प्लांट इसमें बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, ये देखिए दोस्तों इस तरह हम जो है अपना प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं, पॉट को हल्का भी बना सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट भी हमें कुछ दिनों में इसमें वर्मी कंपोस्ट भी तैयार मिलेगी। अच्छा दोस्तों, अगर मेरी जानकारियां आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी अगली वीडियो को देख पाएँ। अच्छा दोस्तों, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।